बोले बच्चे का दिल लगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। राजा आपको देखिए उजी कैसे करेगा। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो राजा महाराज जी उठ चुके हैं और ये सुबह उठते उठते मुझे कह रहा है मम्मा मम्मा बड़े प्यार से मम्मा मम्मा पूल। मैं कहा चुपचाप बैठ जा, अभी नहीं पूल में जाना। अभी इसको ड्रम सा दिया है बजाने का, मम्मी का मेडिसिन बॉक्स है उसको चम्मच से बजा रहा है। क्या कर ढोल बजा लो बजा लो। लक देख लो इसके काम। दो बंद पड़े वो नहीं लिए, अपने वाला ले रहा है, गिर जाएगा टैची गिर जाएगा। चलो ये है मेरा माखन चोर। मम्मा को दिखाओ आ करके कैसे खा लियो। मैं हूँ माखन चोर। चोर कैसा बाबू बन गया राजा। पूल 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 में तो नहा लिया। कैसा बाबू? सोना बाबू, लाला बाबू, सोना बाबू। और सोना बाबू ने क्या पहनी? टी शर्ट, क्योंकि बाबू को ट्रेवल करना है ना इसलिए हमने इसको टी शर्ट पहनाई। ये क्या है? मम्मा की तरफ देखो प्लीज। मम्मा की तरफ देखो प्लीज। जाओ मैं इनसे बात करती हूँ। मैं पापी जी और कोमल के लिए चैन लाई थी जैसे मैंने पहन रखी, तो जो घूम चुकी थी फाइनली आज मुझे ज्वेलरी वाले बैग में से मिल गई, तो अभी मैं दे देती हूँ। राजा ये कोमल मासी की और मामी जी की चैन है। तो कोमल तू बता इनमें से कौन सी रखेगी? वो रखनी है हार्ट रखू या फिर वो रखू क्रॉस रखू? ये हार्ट, लिटिल कंफ्यूज। हार्ट रख लेना हार्ट। चलो अब भाभी जी के लिए लेके चलते हैं। इट्स टाइम टू लीव पंजाब और अभी हम लोग करने लगे हैं पैकिंग अपनी, क्योंकि काका जो है वो बेटर फील कर रहा है, कल को उसको छुट्टी मिल जानी है। गए थे मिलने उससे, अभी मासी जाएगी इवनिंग में। अगर हम लोग फिर से मिलने चले गए तो मासी का नंबर नहीं लगेगा, तो हम लोग सोच रहे हैं मासी चली जाएगी मिलने। सामान सारा लगाना शुरू कर दिया दोबारा से, कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। दो मिनट लगेगी, सारा सामान लगाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो सामान लग चुका है, ऐसे कुछ अरेंज हुआ है। एक चीज और मेन जो सबसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है राजा बाबू का बेड जो कि हमेशा लगाते हैं। इसमें राजा यहाँ खूब बीच में आराम से घुस के सो जाता है। आपको अकेले बैठने बेटा हो जाओगे मैनेज? हाँ ठीक है, सो भी चले। तो अब हम भाभी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। क्या पूछ रही? मैं क्या कह रही बाबू, कल मैंने कहा कल आ जाएगा छुट्टी है, कल आ जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है। सो रहा है तो इसको सोते हुए लेके जाना पड़ेगा। और सच में जब यहाँ से चलते हैं ना भाई, भाभी इतना दिल छोटा करती है। अभी बाबू बिल्कुल ठीक है, तो हमने इनको समझाया कि बाबू बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लो, कल वो घर आ जाएगा। तो कह रही है कि मैंने दो दिन से देखा नहीं है, तो थोड़ा सा नर्वस, मतलब थोड़ा सा जी फील कर रही हूँ। और अब हम भी जा रहे हैं ऊपर से, तो कह रही है कि जल्दी आना मिलने के लिए। उनको पता है काम इतने हो जाते हैं कि जाना तो था एक ना एक दिन, तो अभी है कि जल्दी आना बस। भाभी इमोशनल रहती है, कितना जी लगता है ना, इसलिए मैं आगे कह रही हूँ मैं दो दिन से बाबू को देखा भी नहीं। मैं कोई ना, तो सब ठीक है। सत श्री अकाल बहन जी। बहुत जल्दी चक्कर आप तो काके के चक्कर में आप देखियो, ऐसे जल्दी जल्दी चक्कर लगे काके। ओके माता बाय। ओके मजा आया नानी के पास। आजा बाय। बोलो ठीक है बाय, फिर आऊंगा। बड़ा दिल लगा इसका इधर, बड़ा दिल लगा और चेती तोर चली है। जल्दी बाय राजा। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड यहाँ पे ना एक बहुत फेमस गुरुद्वारा साहिब है। हम हमेशा जब भी यहाँ पे आते हैं पंजाब तो मत्था टेक के जाते हैं वहाँ पे। पुल पुख्ता गुरुद्वारा है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इसे बोलते हैं पक्के पुल गुरुद्वारा है, पुल पक्के गुरुद्वारा साहिब। तो वहाँ जाएंगे, मत्था टेकेंगे, राजा का भी टिकवाएंगे। राजा भी हर बार मत्था टेकता है वहाँ पे। इस बार मेरा था कि अब राजा अपनी होश में आ गया था, अब इसको पक्का, इसलिए हम तीन दिन से प्लान कर रहे हैं। बट फिर आपको पता है कंडीशन ऐसी हो गई थी, जा नहीं पाए, लेकिन अभी जाते जाते हम होके जाएंगे। मम्मा क्या लेती? दे रही और राजा के लिए लड्डू लू। मम्मा ले रही मक्की के दाने, चने, डोडी दे रहे। अंकल सबसे पहले ये दे दो भैया, ये मरुंडा और एक लड्डू। लो लड्डू। ओ हम लोगों को चले हुए दो मिनट नहीं हुई और हम लोगों ने अभी से खाना पीना शुरू कर दिया है। उधर गन्ने का रस चल रहा है और इधर चल रहा है क्या बोलते हैं उसको, बट्टा 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 चल रहा है इधर। बाबू नॉर्मल नॉर्मल लड्डू बच्चे तू लो डोडू लड्डू दे दो उसको। अच्छा पता नहीं क्यों कह दिया मैं लड्डू नहीं, पहले कह रहा डैडा वो रसगुल्ला, फिर याद है डैडा लड्डू ये बोला इसने। बेचारा रसगुल्ला बता रहा है रसगुल्ला। बेटा क्या खा रहा है नानू? लड्डू रसगुल्ला। दोनों बोल रहा है जो सही होगा वो। अभी आपने किससे बात करी? मां और पापा। मम्मा बोल बोल बोले।
लड्डू रसगुल्ला है ये। राजू कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है आपको सब कुछ खाने का आजकल? अच्छा लग रहा है। पहले विवेक आप मुझे बोलते थे गाड़ी में बहुत खलारा करती है, अब इसको देखो। इसे साथ घूम रहा है भगवान के साथ। ये जब से गिराता रहा मुझे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, मगर चल कोई बात नहीं, एक ही बार साफ कर दूंगा। आपको भी खिला रहा है, रिश्वत दे रहा, रिश्वत। बच बच झाड़ लो। मेरे किसके है आपके? मम्मा क्या होगी? चलो हैंडसम बॉय कोमल देखना राजा को। हाय बेटा, कितने सोने लग रहे हो। बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी बाइट करो। हाँ बाबा जी की तरफ हाथ जोड़ो। हाँ हाथ जोड़ो बाबा जी की तरफ। हाँ बाबू फिनिश हो गया लड्डू तो। बाबू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा राजा। कैसा लगा? अब तो मेरा बच्चा बहुत मैच्योर और बहुत अच्छा हो गया है ना, अपने मत्था टेकते रहे। हाँ जी बहुत अच्छा लगा। हाय कितना अच्छा मेरा लड्डू। तो गुरुद्वारा साहिब से हम लोग निकल चुके हैं मत्था टेक के, एंड भगवान सबकी उम्र लगाए, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनकी। कोमल वैसे तूने धोखा करा हमारे साथ। बाय ओके बाय। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो दीदी को कॉल किया कि दीदी उधर वाले फ्लैट पे है या यहाँ पे है, तो दीदी ने बोला कि नहीं मैं नए वाले फ्लैट पे हूँ, क्योंकि उनको पता था हमारे, इसलिए वो वापस आ गए थे। तो यू भी उधर है, दीदी इधर है। हमने सोचा जाने से पहले दीदी को मिल लेते हैं, राजा भी मिल लेगा। तो वहाँ दीदी खड़ी हुई है और राजा को देख के दूर से राजा चलो जल्दी दिखोगे नहीं आप, राजा पप्पा के पास आ गए पप्पा के। तो दीदी वहाँ वो खड़ी हुई है बहुत। तो पिछले दो दिन से दीदी जो हमारे पुराने वाले फ्लैट है वही रह रही थी। राजू उनको पता चला होगा कि हम लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ आ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ना मैं पढ़ नहीं पाती, मेरी कोचिंग भी दूर है, डिस्टरबेंस होती है। हेलो दीदी ने अपना सही कर लिया सेटअप। यार कुछ सही चल रही है तैयारी? सारे वीके फैम को बता दो। ठीक है जल्दी आप लोगों को मतलब फिर पता भी लगेगा कि किस चीज की तैयारियां क्या सब चीजें चल रही हैं, लेकिन एक बार ये सक्सेसफुली हो जाए चीजें आप लोगों के सामने हम लोग रिवील करेंगे। लेकिन लड़की का डे वन से ये रहता है रूम फ्रेशनर परफ्यूम देखो सारे उठा के लेके आ गई। वाह क्या कह रहा थी ये? ये कह रहा है ये लगाओ और इसमें गाना चलाओ। बाबू चाचा चाचा राजा दीदी को बता दो छोटा बेबी कैसे आंखें करता है। आवाज कम कर दो, उसके कान में लेके आता बोबो आवाज। आज तो आती ही देखो क्या दिखा एकदम से ही खाना है बेटा। चले बस दीदू बोबो को बाय कर दो और चलते हैं। दीदी को भी करते हैं टाटा बाय बाय, निकलते हैं। हम एक बर्थडे पार्टी में जाने हैं, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है यहीं पे सोसाइटी में हमारे, तो उनकी बेटी का आज बर्थडे है, उससे भी आपको मिलाएंगे और उनकी बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेशन करते हैं चल के, मतलब इंजॉय करेंगे फुल चल के। सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, सेलिब्रेशन तो है उसमें इंजॉय करेंगे। डोरबेल देखिए बेटा, डोरबेल हमारी देख लो एक बार। तो मुझे इतनी पसंद है डोरबेल बजाने, मैं खुद ही अकेले आगे, जबकि मुझे पता है मुझे लोग पहले मैं ऐसे डोरबेल बजाती हूँ। तो खुशी गई अभी कुछ काम से सलोन में 2 मिनट के लिए, मैं और मेरा बाबू दोनों वेट कर रहे हैं। वेट करना कितना बुरा होता है ना राजा। राजा कहाँ आ गए हम? घर। राजा आपको देख के उजी कैसे करेगा? ऐसे करेगा राजा। कैसे करेगा? ठप्पा करेगा। नमस्ते भैया। मामी जी नमस्ते। वो पैर छूने लग रहा था, वो पैर छूने लग रहा था तेरे। रियो क्या? रियो रियो ये रहा रियो।
प्यार कर दो रियो को, प्यार कर दो। मंच के भी, अरे वाह, अरुण भैया के भी छू चल मेरे बच्चा। बड़ा हो गया मेरा बाप। तो ये देख लो घर आते इसके नौटंकी शुरू हो गए हैं। यू भी कैसा हो गया है, देख 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 देखो। ओ भाई ओ भाई, आराम से, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। पार्टी में भी चलना है राजा, रेडी हो जाओ पार्टी में चलना है। मैं रेडी हो जाता हूँ जब तक, 5 मिनट में मेरी हालत देखो कितनी बुरी हो रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं गिफ्ट रैप, हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हैं। एंड भाई बर्थडे में जाने के लिए हम ऑलरेडी इतना लेट हो गए कि अंश के डैड के फोन पे फोन आ रहे हैं भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। और सच में मेरी हालत इतनी बुरी होगी, मैं मुझे एक सेकंड में रेडी हो गया हूँ यूवी में, बढ़िया लेट कर दिया ना। भाई दीदी कहाँ है, ये हैप्पी बर्थडे, मिल लो एक बार, उसे देखो प्रीत को कितनी सुंदर लग रही है। हेलो भैया, सॉरी बहुत जल्दी आ रहा है। भैया आप लेट कर रहे हो, जल्दी चलते हैं, लेट कर रहे हो आप। बाबू हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहली बार इतनी जल्दी तैयार हुए होंगे। मैं 3 सेकंड में रेडी हुआ, इसके डायपर भी हमारी गाड़ी में रखे हुए हैं, इसके शूज भी और रखे हुए हैं। हमें ऐसा था कि बस सब्जी से जाके वहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। राजा पीत का बर्थडे है, केक खाएंगे, तो दूध क्यों पी लिया फिर। बड़े बुरा हाल हो गया आज तो, इतनी जल्दी में आए कि मैं व्हाइट ड्रेस के साथ ब्लैक जूती पहन के आई, बिकॉज़ जो व्हाइट जूती थी उसको बंद करना पड़ता और राजा मेरी गोद में था, मैंने कहा इतना टाइम भी नहीं है, मैंने फटाफट बेली ही फंसा ली और हम इतनी तेज आए हैं, इतनी तेज आए, मैंने ना कोई ज्वेलरी वेयर करी, कुछ भी नहीं, मेरी वॉच है, ये वॉच भी रहेगी ऊपर ही, वॉच भी ऊपर ही होगी। क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जाना है, दो नीचे झूले हैं और इसको भी झूलना है, वाह मेरे भाई वाह। अभी 5 मिनट वेट कर ले बस, 5 मिनट में चल रहे मेरा बच्चा राजा, 5 मिनट मेरा बाबू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे का दिल लगाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। राजा क्या हो रहा है ये, तो राजा अभी आया है झूले पे, कान पकड़ो, टिंग टोंग, राजू ओजी कहाँ है, ओ ओ अंश, अंश का आवाज लगा रहा, कहाँ है अंश, वो रहा है इधर, आएगा आएगा जल्दी आओ मम्मा पास, आने वाला है। ओ साइड हट के देखो, मम्मा की फिंगर पकड़ो, ये क्या है, क्या है ये, पूल नहीं है बेटा, ये पूल नहीं है। बताओ बच्चे भी ऊपर, इतना रश था, बच्चे भी नहीं खेल पा रहे थे, अब देखो यहाँ से खेल लो। क्या है ये, है पूल। तो राजा इसे देख के बहुत एक्साइटेड हो गया है, कहता देखो स्विमिंग पूल सबको दिखा रहा है। बर्थडे बच्चे के लिए, आपके लिए थोड़ा ही है, देखो। यार तू बहुत अच्छा इंसान है राजा, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, इसको कैसा पता है इधर सोना है बेटा, आज आपको ना हमारे पास सोना है, पिल्लू ले लो। सोएंगे यार, जल्दी चल सोएंगे। राजा नींद नहीं कर रहा और आधे घंटे कर रहा है, चलो नींद करो। कर तो लिया आप, कह रही नहीं नहीं कर रहा, देखिए इससे बढ़िया नहीं क्या होगी। और सो गाइस राजा के साथ आज मुझे बहुत मजा आया, साथ ऐसे एंजॉय किया कि हम लोग कई बार पार्टी में गए हैं राजा के साथ में और वहाँ माँ भी नहीं है, लेकिन अच्छे से ये इसने हमारी बात मानी, अच्छे से हमारे साथ रहा और पूरा टाइम भी दिया। सो गाइस आप लोगों ने कल बहुत सारे कमेंट करे थे कि यस वी वांट ट्रैवल विद राजा, तो हम जल्दी करने वाले हैं। आप हमें एक बार लोकेशन सजेस्ट करो, नीचे आप जाओ कमेंट में लोकेशन डालो कि हम लोग कौन सी जगह विजिट करें राजा के साथ, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कोई इंटरनेशनल ट्रिप करें, सब करो। तो अभी मैं राजा को दूध दे के सुलाने वाली हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। के फैम। बाय।